आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। टीवी एक्ट्रेस सुनीशा शर्मा सुसाइड केस में सीजान खान को शनिवार को जमानत मिल गई। अदालत ने सीजान खान को 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी। साथ ही कोर्ट ने सीजान खान को अपने पासपोर्ट जमा करने को भी कहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुनिशा ने 24 दिसंबर 2022 को आत्महत्या की थी। उसके एक दिन बाद सीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजान खान 21 साल की तुनिशा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था, जिसकी वजह से तुनिशा शर्मा डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने ये कदम उठाया। उसी के बाद से सीजान खान न्यायिक हिरासत में है। अब 59 दिन बाद सीजान खान को जमानत मिल गई। तुनिशा शर्मा मामले में वसाई पुलिस ने सीजान खान के खिलाफ 524 पेज की चार्जशीट दाखिल की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।